साथ में भी। और मैं परम शॉर्ट और टू द पॉइंट आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। शुरू में मेरे पार्टी की तरफ से और इस हाउस की तरफ से हम अपने फ्रंट लाइन इस जंग में जो सोल्जर्स है, हमारा पैरामेडिक्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस को सलाम पेश करते हैं। इस वक्त तक पाकिस्तान में तकरीबन 700 जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो कोरोना वायरस का मरीज बन चुके हैं, और उनमें से 11 हेल्थ वर्कर्स हमारे शहीद हो चुके हैं। हम आज ऑब्वियसली स्पीकर साहब को भी मिस कर रहे हैं, उनके लिए दुआ गो है कि खुद जनाब स्पीकर साहब और जो उनके खानदान में कोरोना का मरीज बन चुके हैं वो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। जनाब स्पीकर, जैसे हमारा मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया, स्पेनिश फ्लू के बाद कोरोना वायरस का पैंडेमिक 100 साल बाद आया है, और पूरी दुनिया में जो डिफरेंट कंट्रीज के क़यादत है, मैं समझता हूँ कि उनकी असलियत सामने आया है। अमरीका का सदर का असलियत सामने आया, यूके का वजीर आजम बोरिस जॉनसन साहब का असलियत सामने आया, और हर क्राइसिस क़यादत को यह मौका देता है और उस मौके में कि असलियत सामने आता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वजीर आजम साहब जो इस मुल्क का वजीर सेहत भी है, आज भी नेशनल असेंबली सेशन में मौजूद नहीं है, और ही डजंट थिंक इट इज पार्ट ऑफ हिज जॉब कि वो इस हाउस को और पाकिस्तान के अवाम को इसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में ब्रीफ करे। ये एक सियासी बयानबाजी नहीं है, ये एक हकायक है, ये वजीर आजम साहब की जिम्मेदारी है, उसकी इट्स पार्ट ऑफ हिज जॉब एज लीडर ऑफ द हाउस। और जैसे आज पूरे मुल्क में हम चाहते हैं कि हमारे गरीब, हमारे मजदूर वो अपने जान को खतरा में डाल के अपना रोजगार करे, इंडस्ट्रीज में काम करे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करे, ताकि हमारा मीशत का वो असर ना हो। हम समझते हैं कि अगर आप लीडर हो तो आप फिर जो आप बाकियों से एक्सपेक्ट करते हैं आपको खुद भी करना पड़ता है, और आज बेहतर होता अगर वजीर आजम साहब खुद हाउस में मौजूद होता। वजीर आजम साहब ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदगी करते, लेकिन खास तौर पे वो वजारत जो वो संभाल रहे हैं, जिसका स्पेशल असिस्टेंट मौजूद है मगर खुद बात नहीं कर सकता, वजीर सेहत के बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ एक बार फिर एक नेशनल यूनिटी का, और इस वबा की अवेयरनेस के बारे में क्या स्टेप्स हम अपना सकते हैं, शायद उसके बारे में बात होता। लेकिन वजीर खारजा साहब जिस पे ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उसने सूबाई सिंध को और 18वीं तरमीम को निशाना बनाया है। मैं उन डिबेट्स पे भी ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब से ये वबा पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंचा, तो बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वजीर आजम को, हुकूमत को दिल से ये पैगाम दिया था कि जो हमारे सियासी इश्यूज होंगे, जो हमारे सियासी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे, वो हम साइड पे रखें और मिलके इस वबा का मुकाबला करें। उसका जवाब में मेरे जमात का, मेरा खुद, मेरे सूबे के वजीर आला, मेरे सूबे के वजीर का गालिम गलोच फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का गालिम गलोच का निशाना बनाया गया, उनका कोशिश, उनका मेहनत का किरदार कशी की गई, और ना सिर्फ उनकी जात पर बात महदूद था मगर हमारा सिंध सूबे से ताल्लुक रखने वाले जो अवाम है उनका किरदार कशी की गई, यहां तक कि एक हुकूमत और हुकूमती पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक रहनुमा ने फरमाया कि सिंध के अवाम की जहालत की वजह से
उसको कोरोना लग गया। मैं समझता हूं कि ये वक्त नहीं था कि हम इस किस्म की सियासत करें। पाकिस्तान की बहुत सी मुश्किलात हैं, इन मुश्किलात का सामना हमारा हुकूमत पहले दिन से कर रहे हैं, चाहे वो हमारे मुईशत से ताल्लुक रखने वाले मुश्किलात हैं, चाहे वो हमारा जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और फॉरेन पॉलिसी पे जो उसका असर है उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, हमारा सेहत का निजाम आलमी दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते थे। इतनी ज्यादा जरूरत था कि हमारा वजीर आजम पूरा मुल्क को लीड करता, हमारा वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम बनता, वजीर आजम सिर्फ पीटीआई का नहीं रहता और इस मुल्क को वो तहफ्फुज़ दिलाते, इस मुल्क के अवाम को ये बात का यकीनी यकीन दिलाते कि हम ना सिर्फ आपका सेहत का, हम ना सिर्फ आपका जिंदगी का तहफ्फुज करेंगे मगर जो मुआशी सूरत हाल है, जो कोरोना की वबा की वजह से उसको नुकसान पहुंचेगा उसके लिए भी हम कदम उठाएंगे। हमने इसी बात की निशानदेही की थी अपनी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने इस जंग को दो महाजों पर लड़ना, एक हमने चूज की मेडिकल और प्रोटेक्टिव स्टेप्स है इसके फैलाव को रोकने के लिए, अपने अवाम का सेहत और जिंदगी को तहफ्फुज़ करने के लिए जो कदम हमने उठाना है वो हमें करना है, और साथ साथ जो हमने अपना मीशत को और अपना गरीब तबका को रिलीफ पहुंचाना है उस पे हमने काम करना है। वजीर ख्वाजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान का टेस्टिंग कैपेसिटी रीजन में सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान का टेस्टिंग कैपेसिटी में खुद मानता हूं इसमें बहुत इजाफा हुआ है, भारत और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के टेस्टिंग कैपेसिटी का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का क्रेडिट जनाब स्पीकर साहब सूबाई हुकूमतों को जाती है, इस बात की क्रेडिट जनाब स्पीकर साहब सबसे ज्यादा सिंध हुकूमत को जाती है जिसका टेस्टिंग कैपेसिटी बाकी सूबे के मुकाबले में इन महीनों में हमने अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में सबसे ज्यादा इजाफा किया है। हमारा पहले दिन पे सुबाई सिंध में हम 80 टेस्ट पर डे कर सकते थे, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 5000 तक पहुंच चुके हैं, 5000 से ज्यादा, वो तो 600% का इजाफा, लेकिन इस इजाफा में ना एक लैब टेस्टिंग लैब जिसका दो टेस्टिंग लैब्स का वादा वफाकी हुकूमत ने हमसे किया, वफाकी हुकूमत की तरफ से वो लैब्स अब तक सुबाई सिंध में दिया नहीं गया और वफाकी हुकूमत की तरफ से वो सपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की सुबाई हुकूमत को भी नहीं मिल रही। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा किया है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो सिर्फ चंद टेस्ट पर दिन कर सकते थे अब वो 1000 के करीब टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो इजाफा हुआ है चाहे वो सूबाई सिंध का इजाफा हो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इजाफा हो उसमें 90% जो वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए हैं वो सूबाई रिसोर्सेज है। आज पाकिस्तान का टेस्टिंग कैपेसिटी इससे भी ज्यादा हो सकता था, एनडीएमए का चेयरमैन ने पाकिस्तान के लिए 50,000 टेस्ट पर डे का जो टारगेट है वो खुद रखा था, आज तक हम उस पॉइंट पे नहीं रीच किए हैं, वो इसलिए कि वो वफाकी हुकूमत से वो मदद नहीं दी जा रही है, उसका नुकसान ना सिर्फ एक सुबह तक महदूद रहता है मगर आपको जो खैबर पख्तूनख्वा का जो शरायमवात है उसमें भी नजर आता है। इसलिए दुनिया भर में ये भी स्टैटिस्टिक्स, ये भी फैक्ट, ये भी आपको बताती है कि अगर आपका टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, जहां सबसे कम टेस्ट हुए हैं उतना वहां सबसे ज्यादा शरायमवात हुआ है, और पाकिस्तान में भी वैसे ही है, जिस सूबा में सबसे कम टेस्ट किए गए हैं, सबसे कम टेस्टिंग कैपेसिटी है, उस सूबा में सबसे ज्यादा शरायमवात भी हुआ है, और उस सूबा का नाम है खैबर पख्तूनख्वा, जहां आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या सीएम मुराद अली शाह पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं,
और मैं सुबाई खैबर पख्तूनख्वा की जो वजीर सेहत है उसकी टीम है वहां की ब्यूरोक्रेसी है उनको सलाम पेश करते हैं कि वो मैं जानता हूं जैसे सूबे सिंध में सूबे पंजाब में हर सूबा में मेहनत हो रहा है कोशिश हो रहा है वो जारी है लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरीके से वफाक को इस नेशनल इमरजेंसी में हुकूमत पाकिस्तान को इस जंग की कैफियत में हमारे साथ शाना बिशाना खड़ा होना था हमारे साथ मेहनत करना था जहां सुबह हुकूमते रुपया खर्च करते वहां वफाकी हुकूमते दो रुपया खर्च करते वैसे नहीं हुआ है और हम आज भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं वफाकी हुकूमत से क्या पाकिस्तान की हुकूमत हो इस वक्त हम जंग में हैं अब कभी ऐसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जंग में हो और वजीर आजम पाकिस्तान कहे कि सूबे सिंध खुद लड़े बलोचिस्तान खुद लड़े क्या आप ऐसे कभी समझ सकते हो कि हम जंग में हो और हम अपने सिपाहियों को अपने जवानों को कहे कि जा आप इस जंग के मुकाबला करें मगर हम आपको हथियार नहीं देंगे हम आपको बूट्स नहीं देंगे हम आपको यूनिफॉर्म नहीं देंगे। आज यहां पीपीई का बड़ा जिक्र किया था जनाब स्पीकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान के हेल्थ प्रोफेशनल्स में जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है वो बाकी दुनिया में नहीं हो रहा है इसका सिर्फ एक ही वजह हो सकता है कि या हम अपने फ्रंटलाइन सोल्जर्स को अपने डॉक्टर्स को अपना नर्सेस को अपना पैरामेडिक्स को वो पीपीई टाइमली नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं जानता हूं कि कितना मुश्किल से सुबह सिंध में अपना फ्रंटलाइन वर्कर्स को पैरामेडिक्स को नर्सेस को डॉक्टर्स को जो कोरोना पेशेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई पीपीई का गारंटी करवाया है लेकिन हमें सिर्फ अपना उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो इन मरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, हमने ना सिर्फ उनको तहफुज दिलवाना है हमने इमरजेंसी रूम्स में भी अपने डॉक्टर्स को तहफुज दिलवाना है हमने जो नर्सेस जो पैरामेडिक्स इस वक्त में इस पैंडेमिक के दौरान अपने जानों के साथ खेल रहे हैं अपने खानदान को खतरा में डालने सिर्फ अपना काम करने के लिए उनको तहफुज दिलवाना है। पूरी दुनिया में पीपीई का डिमांड है हम जानते हैं कि मुश्किल होगा हम पाकिस्तान में भी इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ना सुबह सिंध ना सूबे बलोचिस्तान ना पख्तूनख्वा ना बलोचिस्तान की हुकूमत इंटरनेशनल सप्लाई चेन चाहे वो पीपीई का इक्विपमेंट का हो चाहे वो टेस्ट कोरोना टेस्ट के हो हम वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन खुद गारंटी नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान कर सकती है खास तौर पे जब पूरी दुनिया बंद है एयरपोर्ट्स बंद है आप इंटरनेशनल सप्लाई चेन पीपीई के लिए मेडिकल सप्लाईज के लिए और टेस्टिंग किट्स के लिए आप कर सकते हो आपको ये गारंटी हर सूबा को देना चाहिए कि हम आपको इस वक्त अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहे वो टेस्टिंग किट्स के हो या पीपीई के हो हम वो गारंटी करते हैं कि हम आपको ये दिलवाएंगे। 18वीं तरमीम की और सूबे के जो फाइनेंसेस हैं उनके बारे में बड़े बात होता है हम मानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद एनएससी अवार्ड के बाद सूबे को ज्यादा वसाइल मिले हैं लेकिन हर सूबा का जो एक साल का हेल्थ बजट है वो एक साल का हेल्थ बजट इस वबा का मुकाबले करने के लिए काफी नहीं होगा इसलिए सूबा सिंध अपना पूरा बजट को देख जहां से हम काट कर सकते हैं हम काट रहे हैं और इस वबा का मुकाबला करने के लिए हमारा हेल्थ केयर के निजाम में इजाफा करने के लिए हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए हम अपना वसाइल अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही मैं जानता हूं ऐसे ही हो रहा होगा बलोचिस्तान में ऐसे ही हो रहा होगा पंजाब में ऐसे ही हो रहा होगा खैबर पख्तूनख्वा में लेकिन हमारा एक साल का बजट हमारा एक साल का हेल्थ बजट इस वबा का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं होगा। हुकूमत
एक पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है कि ना सिर्फ सूबाई सिंध को मगर हर सूबा का हेल्थ केयर कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, टेस्टिंग कैपेसिटी के इजाफा करने के लिए आपको वसाइल देने होंगे। ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है और इस क्राइसिस के दौरान जब पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को कहेंगे कि हम आपका मदद नहीं करेंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम अपने लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अवाम की जिंदगी और सेहत बचाने के लिए, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि हर पाकिस्तानी का, हर पाकिस्तानी का सेहत और जान को आपको तहफ्फुज करना है, अगर खतरा है तो इस खतरे के खिलाफ आप हमें मदद करें, अब हमें गाली ना दे, अब हमारा किरदार कशी ना करें। ये कितना अफसोस की बात है जनाब स्पीकर, जब पूरी दुनिया अपना मेडिकल कम्युनिटी को, अपना फ्रंट लाइन फोर्सेस को, अपना नर्सेस को, अपना डॉक्टर्स को, अपना पैरामेडिक्स को सलूट कर रहे हैं, पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? चाहे वो बलूचिस्तान के डॉक्टर्स हो या पंजाब के यंग डॉक्टर्स हो, उनके साथ क्या किया जा रहा है? जब वो मुतालबा करते हैं कि हमें अपना तहफ्फुज के लिए, अपना जान का तहफ्फुज के लिए, अपना सेहत का तहफ्फुज के लिए, और ताकि हम आपका जान बचा सकते हैं हमें पीपीई दो, बलूचिस्तान में उन पे हमला किया जाता है, वो गिरफ्तार किए जाते हैं। वजीर खारजा कहता है कि पीपीई है, अगर पीपीई है तो फिर पंजाब के यंग डॉक्टर्स को 15 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पे क्यों जाना पड़ा? अगर मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल पे अनइंटरप्टेड सप्लाईज है पीपीई के लिए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वसाइल से क्यों निश्तर हॉस्पिटल को डोनेशन के तौर पे पीपीई देना पड़ा? वजीरे खारजा ने अपना ही हुकूमत के खिलाफ बयान क्यों दिया कि मुल्तान के लिए, साउथ पंजाब के लिए वो वसाइल नहीं दिया गया, वो पीपीई नहीं पहुंचा है? वो इसलिए कि आपके जो आपने जो तकरीर किया है, जो बातें की है, वो हकायक पे मबनी नहीं है। अगर आप समझते हो कि हम सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं या सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, आप हमें बता दें, हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो भी आपके सीबीएम्स होंगे मानने को तैयार है, हमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहिए। अगर हमें मदद चाहिए, अगर हमें आपका साथ चाहिए, तो सिर्फ इसलिए कि हमारे आवाम का जान और सेहत खतरा में है, और हम अकेले जितने भी कोशिश करें, जितने भी मेहनत करें, अगर वफाक की तरफ से हमारा हर कोशिश अंडरमाइन किया जा रहा है, अगर वफाक की तरफ से हमारा हर मैसेज अंडरमाइन किया जा रहा है, तो हमारा कोशिश नाकाम रहेगा। उसका नुकसान मेरा और आपको नहीं होगा, उसका नुकसान इस मुल्क के अवाम को होगा, इस मुल्क का सेहत का होगा, इस मुल्क के अवाम की जिंदगी पे होगा। मैं आप इसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया में उठा के देखे जनाब स्पीकर, जहां इस किस्म की ग्लोबल पैंडेमिक पहुंचा हो, और मैं जो भी हुकूमत के एलाइज, चाहे वो एमक्यूएम से ताल्लुक रखते हो या ये बाप से दूसरी सियासी जमातें, हमारा जो ऑपोजिशन है, आपस के जो इश्यूज है वो काफी ज्यादा है, लेकिन मैं इनके बारे में नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं एमक्यूएम का एग्जांपल इस वक्त लूंगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हुकूमत सिंध कराची के अवाम, पूरा सूबे के अवाम का जिंदगी और जान का तहफ्फुज़ देने के लिए, बचाने के लिए हमारी कोशिश जारी है। अगर तंकीद आता है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आता है, अगर एक पॉइंट आता है तो हमें गाइड करने की पॉइंट आता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे सिंध से ताल्लुक रखते हैं, वो जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं, उससे इस मुल्क के अवाम को वो
कंफ्यूज कर रहे हैं। जब इस किस्म के बयानात आते हैं कि सिंध हुकूमत जानबूझ के कोरोना के पेशेंट्स के तादाद में इजाफा कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर इट इज नॉट अ बैड रिफ्लेक्शन ऑन द पीपल ऑफ सिंध, इट इज अ बैड रिफ्लेक्शन ऑन दोज हु गिव सच स्टेटमेंट्स। जनाब स्पीकर, लॉकडाउन पे काफी ज्यादा डिबेट हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की अवाम को, इसलिए पाकिस्तान की अवाम की कुर्बानी की वजह से इस सुबह सिंध, सुबह बलोचिस्तान, फिर सुबह पंजाब, फिर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमतों की वजह से, उनके जेल क्विक एक्शन की वजह से हमने पाकिस्तान को बचा दिया इस वक्त तक। और इस वक्त तक पाकिस्तान ना वुहान बना, ना इटली बना, ना न्यूयॉर्क बना, ना यूके बना। इसलिए इस मुल्क के अवाम ने, इस मुल्क की सूबाई हुकूमतें ने अपने अवाम की जिंदगी और सेहत बचाने के लिए वो कदम उठाए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रेकमेंडेड कदम थे, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब आपका वजीर आजम खुद कहता है कि लॉकडाउन की वजह से हमने अपने अवाम का जिंदगी बचाया है। आपके वजीर खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में जो शराय अमवात है वो इटली और न्यूयॉर्क की जैसा नहीं है, और हम सब दुआ गो है कि आगे जाके भी हम अपने अवाम का सेहत और जिंदगी को बचा सके। अगर वजीर आजम ने लॉकडाउन करना है, अगर वजीर आजम ने लॉकडाउन उठाना है, अगर वजीर आजम ने स्मार्ट लॉकडाउन, डम लॉकडाउन, हैंडसम लॉकडाउन रखना है, तो वो उसका फैसला एक करे जो आपने करना है। लेकिन हर फैसला का कॉन्सिक्वेंसेस है। आपका जो पहला फैसला था एक कॉम्प्रहेंसिव लॉकडाउन करने का, उसका आपका रिजल्ट्स मिले हैं। आप उस पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं। उस पॉलिसी को चेंज करने के लिए आपके पास बाइन भी है दूसरे सूबे के तरफ से, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर पाकिस्तान का लॉकडाउन ईज हुआ है तो हम सब जानते हैं कि केसेस का तादाद भी बढ़ेंगे, हमारे शरायमवाद भी भरेगा, और उसको कॉम्बैट करने के लिए, उस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए सूबाई हुकूमतों को अब ज्यादा मदद की जरूरत है। अगर कंप्लीट लॉकडाउन में हम खुद अपना वसाइल से कोशिश करके अपना क्वारंटीन सेंटर, अपना आइसोलेशन सेंटर, अपने आईसीयूज, अपना टेस्टिंग कैपेसिटी, इन सारी चीजों में इजाफा कर रहे थे, अब लॉकडाउन की जो ईजिंग हुआ है उसका नतीजे में जो ज्यादा लोग बीमार होंगे, जो ज्यादा लोग खुदा ना खास्ता फौत हो जाएंगे, जिनके लिए हमें आइसोलेशन बेड से लेके वेंटिलेटर्स तक, वेंटिलेटर्स से लेके फिर फ्यूनरल्स तक की तैयारी करना है, उस तादाद में भी इजाफा होगा। ये आपका डाटा भी आपको बता रहा है। अगर मुझे पता है और आपको पता है तो हमने इस मुश्किल सूरत हाल जो हमें नजर आ रहा है उसका तैयारी भी करना है, और उसका तैयारी करने के लिए इस वक्त सारे सूबाई हुकूमत इस काम में लगे हुए हैं कि हम अपना आइसोलेशन सेंटर्स, हम अपना क्वारंटीन फैसिलिटीज, हम अपना आईसीयू बेड्स में कैसे इजाफा कर सकते हैं। अगर वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को मदद करती, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब स्वात ऑपरेशन हम लड़ रहे थे पख्तूनख्वा में, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दों के खिलाफ एक जंग लड़ी गई, उस वक्त हमने नहीं कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, खैबर पख्तूनख्वा खुद लड़े। जब सैलाब आया था, सुपर फ्लड आया था, उस वक्त हमने नहीं कहा था कि फ्लड तो इधर से आ रहा है, वो खुद संभाले। जब जंग आता है, चाहे वो एलओसी पे हो या जहां भी हो, हम नहीं कहते हैं कि वही सूबा जो इसका बॉर्डर रखते हैं वो खुद अपना तहफ्फुज करे। तो फिर जब जैसे हमारा वजीर साहब कहता है 100 साल बाद एक इस किस्म का वबा आता है जिससे ना सिर्फ हमारा मीशन, ना सिर्फ हमारा रियासत, लेकिन हमारा आवाम का जिंदगी और सेहत इस वक्त खतरे में है, उस वक्त रियासत पाकिस्तान कहता है कि सूबे खुद लड़े, हम खुद लड़ेंगे, ये हमारा जिम्मेदारी है।
लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचे, बलोचिस्तान के अवाम पे, पख्तूनख्वा के अवाम पे, सिंध के अवाम पे, इस पूरे मुल्क के अवाम पे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर वो खुद अपने पूरे कोशिश कर रहे हैं, खुद अपने जान सेहत माल खुद बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बयान आता है कि आप खुद लड़ो। मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ हमारा कोरोना का वबा के खिलाफ जो कदम है उसको अंडरमाइन करती है, मगर साथ साथ जो पाकिस्तान का वफाकी फॉल्ट लाइंस है जो हमेशा से रहे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 18वीं तरमीम की सूरत में हमने उन फॉल्ट लाइंस को एड्रेस किए हैं, वो फॉल्ट लाइंस फिर से एग्रीव हो रहे हैं, फिर से उनको असर हो रहा है। अगर हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि हम जितने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें उसका आधा हम कोरोना अवेयरनेस पे या कोरोना के खिलाफ बयान देते, उसका असर क्या होता? अगर आप वफाकी हुकूमत के वजीर पीटीआई के नुमाइंदे के बयान फरवरी 26 से लेके आज तक उठा के निकाले, उसका एनालिसिस करें तो 90% सुबाई सिंध मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ आपका बयान आता है। आगे जाके भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, इस वबा के बाद जितना भी आपने हमें गालियां देना है दे दे, जितना आपने हमारा किरदार कशी करना है आप वैसे हमेशा करते हो तो करे, लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान एक जंग की तरह इस वबा का मुकाबला कर रहा है तो हमारा वजीर आजम गायब है, हमारा वजीर आजम कंफ्यूज्ड है, और हमारा वजीर आजम अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि उसका जिम्मेदारी है इस हुकूमत को चलाने का, इस मुल्क को चलाने को, इस मुल्क के अवाम के सेहत और जिंदगी का, जो उसका जिम्मेदारी बनता है स्पीकर साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहा। कोरोना का मुकाबला करने के लिए माजी में जो भी हुआ सो हुआ, आगे जाके एक ये फैसला हुआ है और एक किस्म का यूनिफॉर्म थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, सूबे में एक किस्म का लॉकडाउन जारी है। मैं एक बार फिर आपके सामने और इस फ्लोर पे वफाकी हुकूमत को ये तजवीज देना चाहूंगा कि सारे सूबाई हुकूमतों पर यह बोझ आने वाला है। हमने अपना हेल्थ केयर कैपेसिटी, अपना आइसोलेशन का कैपेसिटी, अपना ICU का कैपेसिटी, अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना है। हम अकेले करते रहेंगे, अगर आप हमारा मदद करें, अगर जहां हम एक रुपया खर्च करते हो आप 2 रुपया खर्च करते हैं, अगर जहां हम एक टेस्टिंग लैब देते हो आप 2 टेस्टिंग लैब देते हैं, तो इसका पाकिस्तान का फायदा होगा, इसका आपका हुकूमत का फायदा होगा, इसमें आपका वजीर आजम का नाम जो है वो रोशन होगा, और मैं अपने अवाम का जिंदगी और सेहत को भी बचा सकूंगा। लेकिन अगर हम अपने साइलोज में काम करते रहेंगे, वजीर आला सिंध अपना मेहनत अपनी जगह खुद करने की कोशिश करेंगे, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुद अपना मेहनत खुद अकेला करने की कोशिश करेंगे, वजीर आजम आजाद कश्मीर खुद अपना मेहनत अकेला करने की कोशिश करेंगे, बेचारी डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो जगरा साहब है पख्तूनख्वा में वो भी अकेला अपने मेहनत करने की कोशिश करेंगे, तो हम इस मर्ज़ा कोरोना वायरस का वबा का मुकाबला करने में नाकाम रहेंगे। जैसे आज हमारा जो मेहनत है, जो कोशिश है, वो कंपेयर किया जा रहे हैं दूसरी रियासतों से, कल भी हम कंपेयर किए जाएंगे। और डू वी रियली वांट टू बी द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड? क्या मुआशी मुश्किलात दूसरे मुल्क में नहीं है? बांग्लादेश में नहीं है, इंडिया में नहीं है, नाइजीरिया में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, इथियोपिया में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में मुआशी मुश्किलात। अगर वो ममालिक अपना अवाम के सेहत और जिंदगी बचाने के लिए वो लॉकडाउन भी कर सकते हैं, मीशत को भी संभाल सकते हैं, अपने अवाम को रिलीफ पहुंच सकते हैं, तो मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान ये काम क्यों नहीं कर सकती? पाकिस्तान वो 3 ममालिक से वो क्यों हम वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड मालदीव्स वो 3 ममालिक हैं जो कोरोना की वबा की वजह से हम रिसेशन में जा सकते हैं, और जहां यह हकायक है हमने इसकी तैयारी करना है, अपने अवाम का मुआशी सूरत हाल का भी तहफ्फुज़ करना है। यह सवाल भी बनता है, यह सवाल जरूर बनता है कि ऐसे क्या है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान
और मालदीव्स के साथ रिसेशन में जाने वाला है। वो इसलिए जनाब स्पीकर कि कोरोना के वबा से पहले हमारा मुआशी सूरत हाल बहुत खराब थे। हमारे गरीब तब भी परेशान थे, हमारे मजदूर तब भी परेशान थे, और ऊपर से ये कोरोना का जो वबा है ये सब पाकिस्तान के अवाम का कमर तोड़ दिया है। और हम भी खुश हुए थे जब वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि 12 अरब रुपया का रिलीफ पैकेज। इसलिए ये तो मेरा मुतालबा था जब मैंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब वफाकी हुकूमत और उनके नुमाइंदे पूछ रहे थे कि कोरोना कैसे काटता है, उनको तो पता ही नहीं था। तो हमने उस वक्त कहा था कि आप ने मीशत को भी संभालना है और कोरोना का भी मुकाबला करना है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात था कि इतने अरब रुपए का पैकेज। लेकिन जब हम उस पैकेज की डिटेल्स में जाते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि वहां भी ये हुकूमत, वहां भी पीटीआई, कैसे मैं ये कहूं, सही नीयत के साथ काम नहीं कर। वो उस अरबों रुपए की पैकेज में जो सुबाई हुकूमत प्रोक्योरमेंट करती है वीट का सालों साल, वो भी डाला गया। जो रिलीफ के नाम पे, रिलीफ के नाम पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बीआईएसपी के थ्रू जो पैसा दिया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब तो याद रखता है कि वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का हिस्सा था, अपना नौजवानी भी इस जमात में गुजारा, वजारतें भी हासिल की। अफसोस की बात है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम नहीं ले सकता। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो आपका बजटेड पैसा था, आपके पास वो पैसा मौजूद था, अपने वही पैसा इस्तेमाल किया है और वही पैसा को इकट्ठा करके अपने बेनजीर इनकम के सपोर्ट प्रोग्राम के रिसिपिएंट्स को दिए हैं। हम शुक्रगुजार हैं, हम खुश हैं कि बीआईएसपी जारी है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से। आज भी इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम को अंदाज दिल्ली है। मगर ये काफी नहीं है जनाब स्पीकर, ये काफी नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अपनी जगह चलना चाहिए था, लेकिन जो आपने इस मुल्क के डेली वेज अर्नर्स से इस लॉकडाउन के पहले दिन से वादा किया था कि आप उनको रिलीफ पहुंचाएंगे, आज तक हमारे डेली वेज अर्नर्स को कोई रिलीफ नहीं मिला। आपने अब आप लॉकडाउन को ईज कर रहे हो, खुद मान रहे हो कि लॉकडाउन को ईज कर रहे हो, लेकिन जब लॉकडाउन था आपने अवाम को कोई पैसा नहीं दिया, डेली वेजेस को कुछ नहीं दिया, सफेद पोश तबका को कुछ नहीं दिया। और जहां सिंध हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, जहां सिंध हुकूमत ने एक रिलीफ ऑर्डिनेंस तैयार किया था इसी लॉकडाउन के लिए कि हम अपना अवाम का जो रोजगार है, जो तनख्वाह है, उसको प्रोटेक्ट करे ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए इस लॉकडाउन के दौरान। हम सुबाई सिंध में जो रेंटल प्रॉपर्टीज में रहते हैं उनका कम रेंट है, उनके लिए हम क्या सपोर्ट दे सकते थे, कैसे गारंटी कर सकते थे कि उनको वो लॉकडाउन के दौरान रेंट भी ना देना पड़े और किसी कोई उसको अपना घर से ना निकाल सके इस लॉकडाउन के दौरान। वो भी सिंध ऑर्डिनेंस का हिस्सा था। जो यूटिलिटीज में रिलीफ मिलना था वो भी सिंध ऑर्डिनेंस का हिस्सा था। जो स्कूल्स का 20% आपको फायदा मिलना था वो रिलीफ ऑर्डिनेंस का हिस्सा है। और जनाब स्पीकर आप हैरान होंगे कि सिंध के अवाम को रिलीफ सैबोटाज पीटीआई कर रही है। पीटीआई की हुकूमत सिंध कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस को साइन तक नहीं कर रही ताकि हम इस लॉकडाउन के दौरान वो गरीब अवाम जिसका जिक्र हमारा वजीर आजम करता रहता है, उनको जब हम रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो चाहे हमारा रिलीफ ऑर्डिनेंस हो या जो भी हमारा मंसूबा हो उसको सैबोटाज करने के लिए वफाकी हुकूमत उतर पाती है। मैं आज भी मुतालबा करता हूं आपके सामने कि आज रात गवर्नर सिंध सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस साइन करे और सिंध के अवाम को रिलीफ पहुंचाए। और यही यही जो रिलीफ ऑर्डिनेंस है जो पाकिस्तान के अवाम को रोजगार,
जो पाकिस्तान की आवाम के तनख्वाह को, जो वो पाकिस्तान के आवाम जो रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हैं उनको तहफ्फुज़ दिला सकते हैं। यही रिलीफ ऑर्डिनेंस को कॉपी करने में कोई मसला नहीं है, जैसे आपने बाकी स्ट्रेटजीज कॉपी किया है, ये रिलीफ ऑर्डिनेंस भी कॉपी कर लो, पंजाब से भी पास कर लो, बलोचिस्तान से भी पास कर लो, पख्तूनख्वा से भी पास कर लो, और उन उस सूबे के अवाम को भी बेरोजगारी से बचाए, उनको तनख्वाह को तहफ्फुज़ दे। ये दिस इज एब्सोल्युटली आउटरेजियस जनाबी स्पीकर, कि एक तरफ जहां हम काम करने की कोशिश करते हैं वहां मदद करने को तैयार नहीं, दूसरी जगह जहां हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं वहां आप काम करने नहीं दे रहे हैं, और फिर आप कहते हो कि मैं क्यों रो रहा। मैं सिर्फ सिंध के लिए नहीं बात कर रहा हूं, पूरा पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। और आपको जिस तरीके से आप अपना हुकूमत करते हो, अपना सियासत करते हो, आपने पैंडेमिक के दौरान ये आदतें छोड़नी, हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जगह जगह जाने को तैयार है, कहने को तैयार है कि ये हमारा वजीर आजम इमरान खान है, इमरान खान हमारा वजीर सेहत है, जो वो कहता है पाकिस्तान की मदद करने के लिए आप करो, हम मिलके एक ताकत बन सकते हैं, हम मिलके पाकिस्तान के अवाम की ज्यादा जिंदगी बचा सकते हैं, हम मिलके पाकिस्तान की मीशत को ज्यादा बचा सकते हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी इस मुल्क का, जब भी इस मुल्क की जरूरत पड़ी कि इस मुल्क की कौमी जो क़यादत है वो एक पेज पे इकट्ठे हो, वो यूनिटी पैदा हो, चाहे वो हमारा मीशत का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, और अब जो कोरोना का वबा हो, हमारा वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम बनने को तैयार नहीं है, वो इस बात पे खुश है कि मैं पीटीआई के वजीर आजम हूं, मैं अपने जमात से मुखातिब रहूंगा, अपने जमात से बात करूंगा, अपने जमात के लिए काम करता रहूंगा। इस तरीके से ना रियासत चलता है, ना वफाक चलता है, और ना ही हम इस फकवा का मुकाबला कर सकेंगे। जनाब स्पीकर, मेरे पास बहुत से स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं इनका 18th अमेंडमेंट का, एनएफसी अवार्ड का, अगर इस वक्त आप डिबेट खोलना चाहते हो, आपके पास जीतने वाले पोजीशन में नहीं है। आई डोंट वांट टू एंगेज इन दैट डिबेट, आई डोंट वांट टू एंगेज इन द 18th अमेंडमेंट डिबेट अंटिल आफ्टर द पेंडेमिक, आई डोंट वांट टू एंगेज इन द एनएफसी अवार्ड डिबेट अंटिल आफ्टर द पेंडेमिक। मैंने आपसे लड़ना नहीं है, मैंने आपका मदद करना है, आपके खिलाफ इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। आप तफ्तान के बात करते हो, हम जानते हैं तफ्तान पसमांदा इलाका है, ये कोई नई बात नहीं है, बट दैट्स नो एक्सक्यूज कि व्हाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान वर ट्रीटेड लाइक रेफ्यूजीज इन देयर ओन कंट्री, That's no excuse कि the government of Balochistan, जो हम जानते हैं उनके पास वो ना हेल्थ का वसाइल है, ना टेस्टिंग का कैपेसिटी था, वो नामुमकिन था, लेकिन उनको इस तरीके से अकेला छोड़ा गया कि वो जो लोग ईरान से आए थे उनका टेस्ट नहीं कर सके, तो फिर जब वो लोग बाकी मुल्क में भेजा गया, सूबाई सिंध में हमने फौरन उनको रोका, टेस्टिंग करवाया, दूसरी जगह में उन्होंने अस्यूम किया कि आपका वफाकी हुकूमत ने बलोचिस्तान की हुकूमत को मदद किया होगा और उनका पूरा टेस्टिंग और फैसिलिटीज मिला होगा। जब वो पहुंचे, सखर पहुंचे, दूसरे सूबे में पहुंचे, तो पता चला कि ना उनका टेस्टिंग हुआ था, ना उनको अलग रखा गया था, ना उनको खाने पीने के लिए या वो सामान दिया गया था, ना मास्क या पैनाडोल दिया गया था, उनको अलग भी नहीं रखा गया था, ताकि अगर कोई कोरोना की पेशेंट थे वो तो दूसरे को भी इन्फेक्ट किए गए। एंड बिफोर आप 18th अमेंडमेंट का जिक्र करके बलोचिस्तान हुकूमत पे ये डालने की कोशिश करेंगे, आप जानते हो, शामे कुरैशी साहब जानता है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो क्वारंटीन है, वो आईन के तहत आपका जिम्मेदारी है, इसलिए हम जानते हैं कि ताफ्तान की वजह से ये पूरी दुनिया में नहीं पहले, लेकिन हमारा मुल्क में इसलिए कि वफाकी बॉर्डर्स आपका जिम्मेदारी है, और ये वबा हमारा बॉर्डर से ही आए हैं, तो फिर हमारा हक है कि हम आपसे ये सवाल पूछें कि ये कैसे मुमकिन है कि एक केस वुहान से तो नहीं आया, आपने
चाइना के जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के अवाम है, वो अब तक चाइना में। अब ताफ्तान से या ईरान से ये कैसे फैला? एक आपने उनको सही क्वारंटीन नहीं दिलवाया, आपने इनको सही टेस्ट नहीं किया। आप राइबन इज्तिमा का बात भी कर रहे थे, हम नहीं कहते हैं कि ये इनकी कसूर है, हम कहते हैं कि ये आपकी कसूर है कि राइबन की इज्तिमा को वो तहफ्फुज़ नहीं दिलवाया गया, वो अवेयरनेस नहीं दिलवाया गया। उस वक्त तक आपके सूबाई हुकूमत और आपकी वफाकी हुकूमत इस मर्ज के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था, जिसकी वजह से हमारे जो तबलीगी भाई है जो रायबंद इज्तिमा में थे, उनको ना वो तहफ्फुज मिला, ना वो अवेयरनेस मिला। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो खुद इस बीमारी के शिकार हुए, और पूरे पाकिस्तान में आपकी ना अहली और ना लायकी की वजह से रायबंद इज्तिमा में जो शिरकत ले रहे थे वहां से फैला गया। और इसी तरीके से जो आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे मुल्क भर में हमारे गरीब खवातीन को एक जगह इकट्ठा किया, वहां से भी हमें शक है कि आपकी मिस मैनेजमेंट की वजह से ये वायरस फैला होगा। अब ही हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि मैं किस चीज पे लड़ना नहीं चाहता हूं। आपका हेल्थ केयर के पास कैपेसिटी इजाफा करने के लिए मैं जानता हूं कि मुआशी मुश्किलात सूबे के लिए वफाक के लिए है। हम बिहाइंड द सीन्स बैठने के लिए तैयार है कि अब कैसे हमें हमारा हेल्थ केयर कैपेसिटी में, अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में हर सूबे को कैसे मदद कर सकते हैं। हम आपके साथ हर फोरम पे और हर मौका पे, जहां तक कोरोना के विभाग की बात है, मिलके काम करने के लिए तैयार है। और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जब तक ये पैंडेमिक जारी है, तो जो आपका बैटिंग लाइनअप है उस पे वजीर आजम को गौर करना चाहिए, और आप उस किस्म के जिम्मेदार एक्सपीरियंस्ड लोगों को सामने रखें जो हमसे बात कर सकते हैं, तमीज से बात कर सकते हैं, और हम मिलके पाकिस्तान के लिए वो बेहतर फैसले ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये नेशनल असेंबली सेशन जो आखिरकार हुआ है, वो इसी किस्म का एफर्ट का नतीजा था कि जिम्मेदार लोग हुकूमत की तरफ से उस कमेटी में थे, हमने जिम्मेदाराना तरीका से इस नेशनल असेंबली सेशन को आखिरकार बुलाया है, और आगे जाके जो हर सुबह हुकूमत को मदद मिलनी है, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। आपके बस if there's anything that's missing in this equation, it's for you to be willing to work with us. जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। रमजान भी है और शुक्रिया, मैं भी अपना तकरीर मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना कर रहा हूँ, तो थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जनाब मुराद सईद साहब जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्पीकर साहब सबसे पहले हुकूमती इकदाम के ऊपर आता हूँ, और उसके बाद जो अभी